जब एक मेकअप मैन ने बदल दी माधुरी दीक्षित की तकदीर। बॉलीवुड में कई सितारे हैं जो बिना मेकअप के बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन मेकअप के बाद उनकी काया पलट हो जाती है। माधुरी दीक्षित ऐसे ही सितारों में हैं। शुरू में बिना मेकअप के माधुरी बड़ी अजीब सी दिखती थी। माधुरी शुरुआत में काफी दुबली पतली थी और उनके चेहरे पर मुहासे भी थे। अलबत्ता उनकी मुस्कुराहट बड़ी दिलक्ष थी और इसी मुस्कान की वजह से उन्हें राजश्री प्रोडक्शन में काम भी मिला था। लेकिन केवल मुस्कान के ही सहारे माधुरी इंडस्ट्री में टिक नहीं सकती थी। एक दिन उनकी मुलाकात एक मेकअप मैन से हुई, जिसने माधुरी की तकदीर बदल कर रख दी। बॉलीवुड के सबसे मशहूर मेकअप मैन पांडरी दादा उन दिनों सुभाष घई की फिल्म कर्मा में श्रीदेवी का मेकअप करते थे। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित पर एक स्पेशल गाना फिल्माया जा रहा था। पांडरी दादा ने जब माधुरी को देखा तो उन्होंने सुभाष घई से कहा, ये लड़की काफी सुंदर है, तुम इसे अपनी फिल्म में हीरोइन क्यों नहीं बनाते। इस पर सुभाष घई ने कहा कि ये लड़की बहुत साधारण है, मुझे इसमें हीरोइन वाला चार्म नहीं दिखता। साथ ही सुभाष घई ने पांडरी दादा को ये भी तानाशाह दिया, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की महाराष्ट्रियन है इसलिए तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो। तब पांडरी दादा ने सुभाष घई से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आधा घंटा दो, मैं इसकी सुंदरता तुम्हें दिखाता हूँ। और तब उन्होंने माधुरी का स्पेशल मेकअप कर सुभाष घई के सामने पेश किया। माधुरी को देखते ही सुभाष घई सन रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेकअप के बाद माधुरी इतनी खूबसूरत भी दिख सकती है। उन्होंने फिल्म कर्मा का वो गाना हटा दिया और अपनी अगली फिल्म के लिए माधुरी को लीड हीरोइन का किरदार दे दिया। इस तरह एक मेकअप ने माधुरी दीक्षित की तकदीर बदल कर रख दी।